मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजनीति के संत कॉमरेड एके राय को राज के सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। रविवार के सेंट्रल अस्पताल में रायदा अंतिम सांस लिए। लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया था। सोमवार को मासस के केंद्रीय कार्यालय से अंतिम यात्रा निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। साथ ही झरिया होते हुए मोहलबनी घाट ले जाया गया। इस दौरान सड़क पर जगह जगह खड़े होकर कॉमरेड रायदा को लाल सलाम दे रहे थे। धनबाद से मोहलबनी घाट जाने में रायदा के शव को लगभग 6 घंटे लग गए। पहले कॉमरेड ए के राय को नूनुड़ी स्थित लाल बंगला मैदान में तिरंगे से लिपटे शव को राज के सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि रायदा पिछले 5 साल से नूनुडी में रहते थे। इनको एक समर्थक सुबुर गोराई सेवा किया करते थे। उसके बाद शव का अंतिम संस्कार के लिए दामोदर नदी के मोहलबनी घाट ले जाया गया, जहां राज के सम्मान के साथ जवानों ने सलामी दी। इस दौरान धनबाद के डीसी, मंत्री अमर बाउरी, जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, पूर्व मंत्री समरेश सिंह, पूर्व मंत्री मथुरा महतो, निरसा मासस विधायक अरूप चैटर्जी सहित हजारों लाल झंडा के समर्थक और अन्य दल के नेता भी उपस्थित होकर श्रद्धांजलि दी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले गए, जहां इस दिल पे लगा के जाने वो कौन संदेश जहाँ तुम लाला।
लाल झंडा जिंदाबाद, 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 लाल झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक आह भरी होली हमने की, जाते उस वक्त कहां तुम चले गए। बता दें कि कॉमरेड ए के राय का पूरा नाम अरुण कुमार राय था। इनका जन्म 15 जून 1935 को ग्राम सुपुर राजशाही, जो अब बांग्लादेश में है, वहीं हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय शिवेश चंद्र राय था, माता का नाम स्वर्गीय रेणुका राय था। इनकी शिक्षा MSc कोलकाता यूनिवर्सिटी से हुई। ये 3 बार सिंधरी विधानसभा से विधायक और 3 बार धनबाद लोकसभा के सांसद रहे। इंजीनियर के पद पर थे लेकिन मजदूरों की नेता बन गए, फिर कोलांचल में मजदूर नेता के रूप में जाने जाने लगे। ए के राय विरोध बिहारी महतो शिबू सोरेन ने JMM पार्टी बनाई और झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन किए। फिर किसी कारण इनमें नहीं बनी और ए के राय में अलग पार्टी मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की और 3 बार सांसद और 3 बार विधायक चुने गए। स्वच्छ छवि और ईमानदारी के मिसाल थे रायदा। ये राजनीति के इतने सक्रिय रहने के बाद भी कोई घर नहीं खरीदे, कोई संपत्ति नहीं बनाई, यहाँ तक कि पूर्व सांसद के पेंशन को भी राष्ट्रपति कोष में दे दिए थे। रायदा समाज के लिए, मजदूरों के लिए लड़ते रहे। शादी नहीं की इसलिए इनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए जब ये चलने फिरने से लाचार हो गए और बीमारी से ग्रसित हो गए तो नुनुड़ी के एक कार्यकर्ता सुबुर गोराई ने अपने घर में रखा और पूरी ईमानदारी से सेवा की। वहीं श्रद्धांजलि देने पहुंचे शिबू सोरेन ने कहा कि वे राजनीति के संत थे, इन्हें ईमानदार और स्वच्छ छवि के लिए याद किया जाएगा। कहा कि हम लोग झारखंड अलग आंदोलन की शुरुआत की थी। राय बाबू हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके वक्तव्य और उनका जीवन है हम सबके लिए प्रेरित करने वाला रहा है और आगे भी प्रेरणा देगा, विशेष करके कोलांचल की धरती में जहाँ मजदूर, हमारे दलित, आदिवासी, शोषित और किसान, इनको खड़ा करने में, गांव में लोगों को नेतृत्व पैदा करने में उनका योगदान अभी अविस्मरणीय है। आज लोगों को अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक करके उनको कैसे हक और अधिकार लिया जाए इसके लिए लड़ना सिखाया है, आगे बढ़ना सिखाया है। इस लिहाज से उनका कद बहुत बड़ा है और एक संत के रूप में वो अपने पूरे जीवन को निर्विवाद और निष्कलंक व्यतीत किए हैं और आज हम सब के लिए एक आदर्श भी हैं और एक किंवदंती जैसा भी उनका जीवन है। लोग सहज यह विश्वास नहीं करेंगे आज कि ऐसा भी कोई व्यक्तित्व राजनीति के रहा है और राजनीति में जिया है जिसने 3 बार MLA और 3 बार MP रहने के बाद भी इतने सादगीपूर्ण उनकी विदाई रही और इतना जीवन उनका अंतिम समय में लोगों के बीच ही रहा। यह अपने आप में एक अद्भुत है, लोगों को प्रेरित करने वाला है। आज माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार और पूरा झारखंड प्रदेश से 3.25 करोड़ जनता उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलामी दे रहे हैं, उनकी विदाई दे रहे हैं। देखिए, विलक्षण क्षमता के धनी व्यक्ति और राजनीति में संत होना, उसको ये परिभाषित करते हैं। जिस तरीके से संत के आगे पीछे लोग बगैर निस्वार्थ के काम करते हैं, जीवन पर्यंत इनके साथ भी रहने वाले लोग इनके लिए बगैर किसी लाग लपेट, बगैर किसी स्वार्थ के इनके लिए समर्पित रहे, जो इनको हर तरीके से
ये सिद्ध करते हैं कि ये जीवन सामान्य लोगों के लिए उन्होंने जिया, और आज हम लोग सब नम आंखों से इस विलक्षण प्रतिभा को विदाई दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो यहाँ से इनकी जो सुगंध निकलेगी शायद बहुत लोगों के हृदय को परिवर्तित करें, इसकी कामना।